और कहावत हम देखते हैं पहले कि इनका हम कैसे इनका मीनिंग क्या होता है और हम कैसे इनको एग्जाम्पल के थ्रू याद कर सकते हैं और इसको एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे उसको वो देखते हैं पहले। तो सबसे पहला प्रोवर्ब है हमारी कि द एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कथनी की तुलना में करनी ज़्यादा असरदार होती हैं। तो इंग्लिश में देख लेते हैं मीनिंग, व्हाट पीपल डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट दे से। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे कि इंस्टीड ऑफ प्रोमिसिंग टू हेल्प जॉन मूड मोट हिज नेबर्स लॉन विदाउट बींग आस्ट, यानी कि कहने का मतलब है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नेक्स्ट प्रोवर्ब हम देखते हैं कि डू नॉट जज ए बुक बाई इट्स कवर, यानी कि किसी भी चीज़ को उसको देख के मत आंकिए, किसी भी पुस्तक को उसके आवरण से मत आंकिए। पहला इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है। डोंट जज समवन और समथिंग बेस्ड सोलेली ऑन अपीरेंस। एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। ऑल्दो द रेस्टोरेंट लुक ओल्ड एंड शेबी द फूड वाज डिलीशियस, डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर, यानी कि जो रेस्टोरेंट दिखने में ओल्ड है पुराना है वो जो है उसके, लेकिन खाना वहाँ का डिलीशियस है। तो डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर। थर्ड प्रोवर्ब है हमारी कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। आपने काफ़ी बार सुना होगा, नॉट एवरी थिंग दैट्स अपीयर वैल्यूबल और अट्रैक्टिव इज़ एक्चुअली वैल्यूबल। फॉर एग्जाम्पल द एक्सपेंसिव लुकिंग वॉच टर्न आउट टू बी ए चीप इमिटेशन। इमिटेशन दैट मीन्स ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मीनिंग देख लेते हैं इंग्लिश में इसका, बींग ट्रूथफुल इज़ द मोस्ट मॉरली अपराइट चॉइस। फॉर एग्जाम्पल इवन दो इज वॉज डिफिकल्ट, सरस एडमिटेड हर मिस्टेक, यानी कि उसने अपनी मिस्टेक्स को एडमिटेड किया। तो क्या हो गया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट प्रोवर्ब है कि ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न, एक पैसे की कमाई है, यानी कि सेव मनी इज़ एज वैल्यूबल एज अर्निंग इट, यानी कि जितना आप बचा रहे हो वो आपकी एक तरीके से अर्निंग ही है। तो ए पेनी सेव्ड इज़ ए पेनी अर्न। फॉर एग्जाम्पल बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस ही मैनेज टू सेव ए लॉट ऑफ मनी, दैट इज ए पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न प्रोवर्ब। तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न, यानी कि आपकी बचत ही आपकी कमाई है। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज टू मच गुड थिंग कैन बी बैड, अच्छी चीज़ की बहुत अधिकता बुरी हो सकती है। यू नो दैट एक्सेस कैन बी लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग टू मच चॉकलेट्स थ्रू एन्जॉयबल कैन बी लीड टू हेल्थ इश्यू, टू मच ऑफ गुड थिंग्स कैन बी बैड। तो इसका मतलब हो गया कि अगर बहुत अधिक चॉकलेट खाते हैं तो वो आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं। टू मच ऑफ ए गुड थिंग्स कैन बी बैड। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, वेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, यानी कि जहाँ आपको टफनेस महसूस होती है वहाँ पे आप टफ हो जाते हो, कठिन रहा जहाँ हो वहाँ पे और मुश्किल हो जाता है, यानी कि स्ट्रोंग यानी कि आप मजबूत हो जाते हो। स्ट्रोंग एंड डिटर्मिनेंट इंडिविजुअल्स प्रजर्व्स ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, यानी कि जब कठिन समय होता है तो आदमी और मजबूत हो जाता है। डिस्पाइट द फेसिंग द न्यूमरस चैलेंजेस द एथलीट कंटिन्यू टू ट्रेन डिलीजेंटली, वेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपका बॉडी आपकी कमज़ोर है
जब आप उसमें एक्सरसाइज करने लगते हैं तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। यानी कि जितनी एक्सरसाइज करने में आपको बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं तो आपकी बॉडी उसको धीरे धीरे क्या करती है, अडोप्ट करती हैं और आपका शरीर को मजबूत बनाती हैं। तो वेन द जैसे ये एग्ज़ाम, हम इसको एग्ज़ाम्स के में ले सकते हैं कि जैसे मान लो आपको पहला एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, दूसरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो आपको तो क्या हुआ, टफनेस हो रही है उसको क्लियर करने में। तो जब नेक्स्ट एग्ज़ाम जब आप दोगे 33rd वाला, तब आप उसके अंदर और बेटर करके दिखाओगे। तो वेन द गोइंग गेट्स टफ, द गेट द टफ गेट्स गोइंग। नेक्स्ट प्रोवर्ब है गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, इंतज़ार करने वालों को अच्छी चीज़ें मिलती हैं। द पेशेंस कैन लीड टू फेवरेबल आउटकम्स। कहने का मतलब इसको एग्जाम्पल में यूज़ करके देखते हैं, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क ही फाइनली रिसीव द प्रमोशन ही डिजर्व्ड। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। कहने का मतलब है कि उसने कई साल हार्ड वर्क किया, उसके बाद उसको प्रमोशन वो डिजर्व करता है, फाइनली वह प्रमोशन डिजर्व करता है। यानी कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। नेक्स्ट प्रोवर्ब है द रीप वाट यू सो, जो बोओगे वही काटोगे। तो योर एक्शन हैव कंसिक्वेंसेस वेदर गुड और बेड। बाई स्टडिंग डिलीजेंटली शी अर्न टॉप ग्रेड्स इन हर एग्जाम्स। अगर आप जो है स्टडी को अच्छे से करोगे तो आप क्या हो गए, आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, या कि आपकी ग्रेड्स अच्छे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यू रीप वाट यू सो, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। आपने अगर स्टडी अच्छे से नहीं की तो आपको एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट प्रोवर्ब है इट इज़ गुड हॉर्स दैट नेवर स्टम्बल्स। यानी कि एक अच्छा घोड़ा है, एक अच्छा घोड़ा है जो कभी लड़खड़ाता नहीं है। इट इज़ ए गुड हॉर्स दैट नेवर स्टम्बल्स, यानी कि लड़खड़ाता नहीं है। इवन द बेस्ट कैन मेक मिस्टेक्स, यानी कि इवन द बेस्ट कैन मेक मिस्टेक्स, यानी कि बेस्ट भी जो है वो मिस्टेक्स जो है कर सकता है, नहीं मतलब कर नहीं सकता, बेस्ट जो होता है वो मिस्टेक्स नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, द एक्सपीरियंस्ड पायलट मेड एन अनएक्सपेक्टेड एरर ड्यूरिंग द फ्लाइट। जब इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपीरियंस पायलट है वो अनएक्सपेक्टेड एरर्स नहीं कर सकता, है ना। इट इज़ ए गुड हॉर्स दैट नेवर स्टम्बल्स, यानी कि एक्सपीरियंस जो है वो आपका टाइम टू टाइम बढ़ता जाएगा, ईयर टू ईयर बढ़ता जाएगा, और आपकी मिस्टेक्स जो होंगी वो कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि इट इज़ ए गुड हॉर्स दैट नेवर स्टम्बल्स। नेक्स्ट है ऑल इज, लास्ट है, मतलब नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो अंत भला तो सब भला। तो द आउटकम्स डिटरमाइंस द ओवरऑल सक्सेस एंड और हैप्पीनेस ऑफ ए सिचुएशन सिचुएशन। यानी कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि फॉर एग्जाम्पल डिस्पाइट द चैलेंजेस दे फेस्ड द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। यानी कि ऑल इज, मतलब उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस आए इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर, लेकिन उनको अंत में उनको सफलता मिल गई। तो कहने का मतलब होगा कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। कहने का मतलब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ी और फाइनली ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया। आपको ये पसंद आया होगा, यानी कि ऑल इज़ वेल, अगर आप इसको लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो क्या हुआ, इस वीडियो का क्या हुआ, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। यानी कि जो वीडियो अब ख़त्म हो रहा है, आप अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ऑल इज़ वेल दैट्स एंड वेल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।